हे दोस्तों, हिंदी रिव्यू चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है साहिद और आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड के सबसे पॉपुलर विलन्स के बारे में। विलन का कैरेक्टर फिल्मों में काफी ज्यादा अलग होता है, जिनके बिना बहुत सारी फिल्में अधूरी लगती हैं। अब वैसे तो लगभग सभी फिल्मों में विलन्स होते हैं, लेकिन कुछ फिल्मों के विलन अपने पहचान और काम से इतने ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं कि हम उन फिल्मों के एक्टर को याद रखें ना रखें, लेकिन विलन्स हमें एक पल में याद आ जाते हैं कि अरे यार, ये तो उसी फिल्म का विलन है। तो आज हम उन्हीं विलन्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि इस लिस्ट में सैकड़ों विलन हैं, पर हम सिर्फ और सिर्फ 5 की ही बात करेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे तो बहुत ही जल्द इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। तो चलिए जानते हैं टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर हॉलीवुड मूवी विलन्स के बारे में। तो अगर आपको भी ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस घंटी को भी दबाएं ताकि नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 5, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। हैरी पॉटर फिल्म का सबसे खतरनाक जादूगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, जिसके नाम से ही लोग खौफ खाते हैं, क्योंकि इसका नाम लेना भी एक श्राप माना जाता है। वोल्डेमॉर्ट इस रोल को कई एक्टरों ने प्ले किया है। करीब 6 से 7 एक्टरों ने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के बचपन से लेकर जवानी का रोल प्ले किया है, जिसके लिए हम उन कलाकारों की जितनी तारीफ करें कम है, क्योंकि हर एक कलाकार ने इस रोल के लिए अपना बेस्ट से बेस्ट दिया है। तभी तो आज हम इस टेढ़ी नाक और भद्दी सी शक्ल वाले को देख कर पहचान जाएंगे कि ये किस फिल्म का शैतान है। तो ये शैतान उन विलन्स में से है जिन्हें हम शायद ही कभी भूल सकते हैं। नंबर 4, गॉलम। इस करेक्टर को देख कर कभी थोड़ी दया आती है और कभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। दया इसलिए क्योंकि सबसे पहले अंगूठी गॉलम को ही मिली थी, उसके बाद फ्रॉडो के पिता उससे फ्रॉड करते हैं, मतलब कि उससे धोखा देके उस अंगूठी को छीन लेते हैं, और तभी से ही ये सारा बवाल चालू हो जाता है। और गुस्सा तो ये करेक्टर इतना ज्यादा चालाक है कि बड़ी ही आसानी से किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेता है और धोखा देता है, जैसे कि उस अंगूठी के लिए वो अपने दोस्त को भी मार देता है और इसकी शक्ल ऐसी हो जाती है। इस रोल को प्ले किया है हॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्टर एंडी सर्किस ने। एंडी सर्किस ने इस रोल के लिए बहुत ही मेहनत की है, हालांकि सारा कमाल VFX और CGI का है, लेकिन इसके लिए भी हम एंडी की तारीफ जरूर करेंगे, क्योंकि इस रोल की इतनी ज्यादा सराहना हुई कि कई सारे अवार्ड शो में इस एक्टिंग की वजह से एंडी को अवार्ड से नवाजा गया था। तो इस विलन को भी हम कैसे भूल सकते हैं। नंबर 3, एजेंट स्मिथ। हॉलीवुड फिल्म के सबसे फेमस कैरेक्टर एजेंट स्मिथ द मैट्रिक्स फिल्म का विलन है। इस रोल को प्ले किया है ह्यूगो वीविंग ने, जिन्होंने इस रोल को प्ले करके दुनिया भर में तारीफ बटोरी। एजेंट स्मिथ एक AI प्रोग्राम है जिसे मशीनों ने बनाया था ताकि वो उन इंसानों से फायदा उठा सके जिनसे उन्हें एनर्जी मिलती है, लेकिन ये एजेंट बाकी के एजेंट से काफी ज्यादा अलग है, जिसको आपने फिल्म में देखा ही होगा कि इस एजेंट में क्या क्या गुण है जो कि नियो को भी मात दे देता है। ये कैरेक्टर उस टाइम इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि इस कैरेक्टर को 2008 में एम्पायर मैगजीन में जगह दी गई थी। तो इसी से ही आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह का विलन है। नंबर 2, जोकर। वैसे तो जोकर DC की मूवी और कॉमिक्स में पहले से ही फेमस है, लेकिन 2008 में आई फिल्म द डार्क नाइट में हीथ लेजर ने जोकर में एक नई जान डाल दी, और जान ऐसी डाली कि ये जोकर हमेशा के लिए अमर हो गया, जिसको हम शायद ही कभी भूल सकते हैं। इस फिल्म के लिए हीथ लेजर को 2009 में हुए एकेडमी अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग रोल के अवार्ड से नवाजा गया था, लेकिन अफसोस कि वो उस टाइम इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। जी हाँ, फिल्म रिलीज के कुछ महीने पहले ही हीथ लेजर का देहांत हो गया था, लेकिन इस रोल को देखा जाए तो वो आज भी हमारे लिए जिंदा हैं, जिसको पूरी दुनिया चाहती है। नंबर 1, थैनोस। देखा जाए तो MCU की फिल्मों में कई बड़े बड़े विलन्स हैं, लेकिन थैनोस को जिस हिसाब से दर्शकों के सामने पेश किया गया वो अपने आप में ही लाजवाब है, जिसको हम अभी तक का सबसे खतरनाक विलन भी कह सकते हैं, और है भी, क्योंकि इस विलन ने हमारे सुपर हीरो की जिस तरह से हालत खराब की थी वो तो आप सबने फिल्म में देखा ही होगा। थैनोस को सबसे पहले दिखाया गया था द एवेंजर में, लेकिन उस टाइम शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये बैगन सी शकल वाला सबसे खतरनाक विलन बनेगा, जिसको पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान मिली। इस रोल को निभाया है जोस ब्रोलिन ने, जिन्होंने थैनोस के रोल को इस कदर प्ले किया है कि शायद ही कोई इस रोल को इतनी अच्छी तरह से प्ले कर पाता।
बाकी वो कितना खतरनाक है ये तो आपने फिल्म में देखा ही होगा। तो दोस्तों ये थे हॉलीवुड फिल्मों के 5 ऐसे विलन जिन्होंने पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई है। वैसे इसके अलावा भी कई और विलन्स हैं जिसके बारे में हम फिर और कभी बात करेंगे। तो अगर इस लिस्ट में आपका कोई फेवरेट विलन छूट गया हो तो उसे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम जल्दी से जल्दी इसका दूसरा पार्ट भी बना सकें। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक और ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।